हेलो एवरीवन, कल की क्लास में अपन पढ़ रहे थे प्लांटी के बारे में पढ़ रहे थे ना, जिसको फाइव ग्रुप में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा अपने कल की क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा क्या होता है वो देखो। टेरिडोफाइटा देखो, इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लेज एंड हैज स्पेशलाइज टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अनदर। अब देखो, इस ग्रुप के अंदर मैन क्या गया, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट है इसके अंदर। पिछले वाले दोनों में प्लांट बॉडी ढंग से पहले वाले में तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं थी, सेकेंड वाले में रूट्स लाइक रूट्स लाइक लीव्स लीव लाइक स्ट्रक्चर ऐसे था। तो डिफ्रेंशिएट इंटू रूट्स स्टेम एंड लीव्स, इसमें ये डिफ्रेंशिएट है। और स्पेशल इनके अंदर टिश्यूज़ मिलते हैं किसके लिए, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर के कंडक्शन के लिए और अदर सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंडक्शन के लिए, वाटर कंडक्शन के लिए और अदर सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए इसमें स्पेशल टाइप के टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हैं सम एग्जांपल्स ऑफ द आर मार्सीलिया, फर्न एंड हॉर्स टेल्स। ये इसके एग्जांपल्स हैं। देखो डायग्राम है 7.7 में देखते हैं अपन। ये रहा, ये मार्सीलिया है, ठीक है, और ये वाला फर्न है। उसके बाद है द थैलोफाइटा, द ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा हैव नेक्ड एम्ब्रियोज दैट आर कोल्ड स्पोर्स। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, यही तीनों ही बड़े हैं अभी। इनमें क्या होता है, नेक्ड एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज हैं वो नेक्ड होते हैं इनके, बिल्कुल मतलब उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। दैट आर कॉल्ड स्पोर्स, उनको क्या बोलते हैं, स्पोर्स, ठीक है। तो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इन ऑल दीज थ्री ग्रुप आर वेरी इन कॉन्स्पिशियस, कॉन्पिस्क्यूशियस, मतलब इसके जो, एक मिनट, इस ग्रुप में मतलब दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं प्लांट इन और इन तीनों ग्रुप्स के, वो क्या होते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब इन वो दिखते नहीं हैं, ठीक है, इन कॉस्पिस मतलब उन दिखते नहीं हैं आम लोगों को। एंड दे आर देयर फॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी, और इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी। उसके बाद है और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो छुपे हुए रहते हैं, और इनके अंदर ग्रुप्स आर वेरी इनको मतलब ना ही इनके अंदर सीड बनाने की कैपेसिटी है वो होती है। उसके बाद है ऑन द अदर हैंड प्लांट्स विद वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनर ऑर्गन्स, ठीक है, फेनेरोगैम्स। तब इसमें क्या है, दूसरी ओर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स विद वेल डिफ्रेंशिएट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब जिनके अंदर वेल डिफ्रेंशिएट वेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं, दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स, जिनके अंदर मतलब सीड बनाने की कैपेसिटी होती है, आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स, उनको क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स। मतलब अब दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए कि क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जिनके अंदर सीड वेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती, सीड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, वो होते हैं क्रिप्टोगैम्स। और जिनके अंदर सीड बनाने की कैपेसिटी होती है वो होंगे फेनेरोगैम्स। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, मतलब सीड्स जो है रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट क्या होता है, सीड बनना, सीड बनते हैं उससे। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलोंग विद स्टोर फूड, इनमें सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो अलोंग विद स्टोर फूड स्टोर रहता है, ठीक है, विच सर्व्स फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जो कि एम्ब्रियो के स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के लिए और जर्मिनेशन के लिए काम में आता है, ठीक, उसका उपयोग किया जाता है। दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासीफाइड, इस ग्रुप को आगे फिर से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है।
बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेक्ड और बेस्ड ऑन वेदर द और इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, मतलब किसके बेस पे सीड्स आर नेक्ड, सीड्स हैं वो नेक्ड हैं मतलब खुले बीज हैं या फिर नग्न बीज हैं, और इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स या फिर फ्रूट के अंदर बंद हों। दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, इसी बेस पे डिवाइड किया गया है इनको। फिर है पहला है इसमें जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, देखो ये है जिम्नोस्पर्म। दिस टर्म इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये जो टर्म है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बने, जिम्नो मीन्स नेक्ड, जिम्नो मीन्स नेक्ड, एंड स्पर्मा मीन्स सीड, मीन्स नेक्ड सीड्स। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड्स एंड आर यूजली पेरेनियल एवरग्रीन एंड वुडी। जो इस ग्रुप के जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ बियर द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड, मतलब सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, आर यूजली पेरेनियल, पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय होते हैं, एवरग्रीन सदाबहार, एंड वुडी कास्टी लकड़ी वाले होते हैं। एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके, पाइनस सच एज देवदार, ठीक है, और एग्जाम्पल देखो फिगर में पाइनस और ये साइकस आगे, ये वाले इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म हो गया, उसके बाद है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म देखो, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड, मीन्स इनके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट, जो सीड्स होते हैं जिस ऑर्गन के अंदर डेवलप होते हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, फ्रूट में, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, और इन प्लांट्स को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलीडन्स, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स, सीड्स के अंदर प्लांट एम्ब्रियोज हैव स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स होती है छोटी छोटी, जिनको बोलते हैं कॉटिलीडन, कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स, कॉटिलीडन्स को क्या बोला जाता है, सीड लीव्स, सीड की जो लीव्स होती हैं। बिकॉज इन मैनी इंस्टांस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन वैन द सीड जर्मिनेट, क्योंकि कई बार वो क्या होती है, जब वो इमर्ज मतलब निकलती हैं जमीन से बाहर, जब उनका जर्मिनेशन होता है ना, जब उनसे बाहर निकलती हैं तो वो क्या होती हैं, बिकम ग्रीन, हरी हो जाती हैं, वैन द सीड जर्मिनेट, जब सीड है वो जर्मिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद दस कॉटिलीडन्स रिप्रेजेंट ए बिट ऑफ प्री डिजाइंड प्लांट इन द सीड, तो कॉटिलीडन है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लांट सीड से पहले प्री डिजाइन जो प्लांट होता है ना उसको वो क्या करते हैं, शो करते हैं, फिर है रिप्रेजेंट करते हैं। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स, अब एंजियोस्पर्म है उनको फिर से दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, किसके बेस पे, नंबर ऑफ कॉटिलीडन, सीड के अंदर जो कॉटिलीडन प्रेजेंट होते हैं। अरे कॉटिलीडन बेटा वो होते हैं, मैं बताती हूँ आपको, जैसे अपन कोई भी बीज बोते हैं, ठीक है, बीज बोते ही सबसे पहले बाजरे को आप बोओगे तो देखना बिल्कुल एक ऐसा, इस बिल्कुल ऐसा सा उगेगा, चने को आप बोके देखना तो उसके अंदर ऐसे, चने को आप बोके देखोगे तो उसमें ऐसे दो पत्तियां निकलेंगी सबसे पहले, तो ये कॉटिलीडन है, मतलब ये डाइकोट होता है, और जो बाजरा होता है वो होता है मोनोकोट, उसमें सिंगल होता है, और चने के अंदर दो होते हैं तो ये डाइकोट, समझ गए। उसके बाद है मतलब देखो, दे एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड टू ग्रुप्स बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलीडन प्रेजेंट इन द सीड, प्लांट विद सीड हैविंग ए सिंगल कॉटिलीडन, ऐसे प्लांट जिनमें सिंगल कॉटिलीडन हो उनको बोलेंगे मोनोकॉटिलीडन्स और मोनोकोट, प्लांट विद सीड हैविंग टू कॉटिलीडन जिनके अंदर दो कॉटिलीडन हो उनको बोलते हैं डाइकोट। डायग्राम में देखो 7.9 और 7.10 में ये मोनोकोट है देखो, और ये वाला है डाइकोट, ये डाइकोट है, ये वाला मोनोकोट है। तो कॉटिलीडन के बेस पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, मोनोकोट और डाइकोट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। और बेटा वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देख कर सब्सक्राइब करना है,
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे जो भी मैं नए वीडियो इस पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। तो सभी को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, थैंक यू।